इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके लिए, एक क्वार्टर सर्कुलर रिंग के लिए है, तो ये भी आर्क पर ये क्वार्टर वन फोर्थ है, तो यहां पर मुझे ई निकालना है प्लस वन। तो एक्चुअल में डेरिवेशन तो ये कहती है कि आप इसके एलिमेंट्स लो, एक एलिमेंट यहां एक एलिमेंट यहां लो, तो ये अपना ई लगाएगा, ये अपना ई लगाएगा, फिर ई के कॉम्पोनेंट्स बनेंगे और साइन थीटा आपस में कैंसल होगा और टू ई कॉस थीटा यहां पर आएगा। यानी कि अगर मैं यहां पर सिमेट्री फिगर है, एलिमेंट्स लेता जाऊं, साइन कॉम्पोनेंट कैंसिल होते जाएंगे और नेट ई कहां आएगा, इस तरफ आएगा। आप इस डायग्राम पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ ये ध्यान दें कि अगर आपके पास क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है तो उसका लगाया हुआ नेट ई ऐसे आएगा, बिल्कुल सेंटर लाइन के साथ निकलेगा। डायरेक्शन याद हो गई ई की, और ये एंगल क्या होगा 45 45। तो फॉर्मूला तो वही है, ई एक्स का याद करो, अभी आर का किया था, साइन 45 साइन 45, तो आंसर आ गया ई एक्स की वैल्यू 1/4π ε0 रूट टू लैम्डा बाई आर। चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, नहीं याद करना तो कोई बात नहीं, 45 45 पुट कर लेना। तो एक क्वार्टर सर्कल के लिए ई का ये फॉर्मूला, और वाई एक्सिस में वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो नेट ई की वैल्यू इसके इक्वल रहेगी। आप फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर एंट्री कर सकते हो क्वार्टर सर्कल के लिए, क्वार्टर के लिए ये फॉर्मूला नेट ई का आंसर देगा। तो एक ये डायग्राम बना सकते हो और ये नेट ई लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला काम आता है, ठीक है यहां तक। तो ये नेट ई की वैल्यू आ जाएगी इसमें, तो ये फॉर्मूला नोट कर ले क्वार्टर सर्कल के लिए। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मैंने की भी नहीं, वैसे भी इसमें एंगल्स स्पेशल केस है 45 45, वो मैंने पुट कर दी है इसमें, ठीक है यहां तक। अब क्वेश्चन कैसा आया हुआ है क्वार्टर सर्कल पे वो देखो, या कैसा आ सकता है। तो इसके ऊपर, इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे कि अगर मान लो ये एक सर्कल है, अगर सर्कल पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता एक जैसा, तो सेंटर पे ई क्या होता 0। इसने क्या किया, यहां चार्ज ज्यादा कर दिया, डेंसिटी बढ़ा दी 2λ पॉजिटिव, यहां पर कम कर दिया लैम्डा, यहां पर -λ, यहां पर -2λ, और कहता है ई निकालो सेंटर पे। अब एक काम करते हैं, इसमें चार क्वार्टर सर्कल हो गए, 1 2 3 और 4, ये पॉजिटिव यहां पर ई कैसे लगाएगा, इस तरफ, ये नेगेटिव कैसे लगाएगा अपनी तरफ, ये पॉजिटिव कैसे लगाएगा इस तरफ, ये नेगेटिव कैसे लगाएगा इस तरफ, कितने वेक्टर बनेंगे 4। तो ये देखो, इस पॉजिटिव ने ई यहां लगाया, क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला भी क्या याद किया था 1/4π ε0√2λ/r, इस पॉजिटिव ने यहां लगाया 1/4π ε0√2λ/r, इस नेगेटिव ने यहां लगाया 1/4 मैग्नीट्यूड बोलना है 1/4π ε0√2λ/r, और इस नेगेटिव ने यहां लगाया, चार वेक्टर हो गए। तो चार वेक्टर्स हो गए 1 2 3 4, ये वेक्टर इससे बड़ा है, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वेक्टर इससे बड़ा है तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो नेट दो वेक्टर बच गए, अब दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे है, तो नेट ई क्या होगा, इसका और इसका वेक्टर सम, तो वेक्टर सम लेंगे तो आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन तो बड़ा है ये, पर आपको एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, सिंगल क्वार्टर, कैसे भी आएगा, पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे ये समझ में आ रहा है। तो सारी गेम आर्क की सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप डेरिवेशंस करके क्या करोगे, आप फॉर्मूला याद रखो, कैसे अप्लाई करना है इसको हमने देखना है। तो यहां तक आज हम करेंगे, ये अगली बार करना है हमने।